कम नंबरों पे ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगी इससे। हम पे 5 है, हमें वही 5 करने हैं, तो इसमें हमारा टाइम बचेगा। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक अब हमारे पास रूम फॉर एरर ज्यादा है। मुझे लगता है कि हमें स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। हर बच्चे को हमें हर चैप्टर अब ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि तो 5 क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं वो। मेरे हिसाब से इसका नुकसान तो सभी को होगा, तो कट ऑफ उतना चेंज नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है अभी एनटीए ने अपना एक नया नोटिफिकेशन दिया है और उसमें ये अपडेट है कि आपके पास इससे पहले 10 क्वेश्चंस हुआ करते थे इंटीजर टाइप में, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते थे। बट अब नए नोटिफिकेशन में ये बात है कि आपके पास इंटीजर टाइप में सिर्फ 5 क्वेश्चंस होंगे और जो कि करना आपको मैंडेटरी है। दैट मीन्स द थिंग इज सेम बट आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसके बारे में अब हम बच्चों से जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और वो क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को, एक अपॉर्चुनिटी या फिर ये उनके लिए एक बहुत नेगेटिव पॉइंट बनता जा रहा है। तो जानते हैं अपने बच्चों से। ओके बेटा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हर्ड अबाउट दिस अपडेट? मैम पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला कि अच्छा ही है, कम नंबरों पर ज़्यादा परसेंटाइल आ जाएगी इससे, तो मतलब कॉम्पिटिशन थोड़ा कम तो हुआ है पिछली बार से। ठीक है, ओके तो अब हम चलते हैं दूसरे बच्चे पे। ओके बेटा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? क्या ये तुम्हें एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा है कि नेगेटिव अपॉर्चुनिटी की तरह? मेरे हिसाब से तो एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले हम पे 10 क्वेश्चन थे, उसमें से हमें 5 चूज करने में टाइम लगता था कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, बट अब हम पे 5 है, हमें वही 5 करने हैं, तो इसमें हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, और तुम्हें क्या लग रहा है? पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक अब हमारे पास रूम फॉर एरर ज़्यादा है, कि अगर लेट से मेरा कोई बैड डे चल रहा है तो मेरे जो मिस्टेक्स होंगे वो मुझे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि कट ऑफ कम जा रही है। ओके, तो इसलिए लाइक रैंक कम आ सकता है। का पॉइंट भी बन सकता है। हाँ यस, डेफिनेटली डीमोटिवेशन का तो पॉइंट बन ही सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बच्चे पे। ओके बेटा, आपको नए नोटिफिकेशन के बाद क्या लग रहा है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी या फिर सेम स्ट्रैटेजी से काम बन जाएगा? मुझे लगता है कि हमें स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। हर बच्चे को हमें हर चैप्टर अब ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि तो 5 क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं वो, एंड वो एक प्लस पॉइंट है जो सब चैप्टर्स करता है और जो छोड़ के जाते हैं उनसे डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर भी बनेगा वो। ओके ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्चे पे। ओके बेटा, आपको क्या लग रहा है इससे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मेरे हिसाब से इसका नुकसान तो सभी को होगा, तो कट ऑफ उतना चेंज नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाएगा कि मतलब जिसने अगर कोई चैप्टर छोड़ा हुआ था और उस पर लेट से क्वेश्चन आ गए तो वो कर नहीं पाएगा, और जिसने किसी ने चूज़ करके वही चैप्टर करें तो वो कर लेगा, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आज हमने सारे बच्चों के ओपिनियन जान लिए, इन सबका फीडबैक जान लिया। आपका अगर कोई पर्सनल ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी बच्चों, पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।